आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। प्रयागराज से गोरखपुर पहुंचे मतपत्र, मतदान कर्मियों की वोटिंग शुरू। सांसद रवि किशन की पत्नी ने योगी के लिए मांगे वोट। भारत विकास परिषद द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर में सामूहिक मतदान जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनसभा को संबोधित करने संत कबीर नगर पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा 2024 में दिखाएंगे दम। और सिद्धार्थनगर जनपद में ट्रक की चपेट में आने से 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1,00,000 मतपत्र बीते शनिवार की देर शाम प्रयागराज से छपकर गोरखपुर पहुंच गया, जिसके बाद अब विधानसभावार EVM के बैलेट यूनिट में इसे सेट करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आज से मतदान कार्मिकों के दूसरे चरण के प्रशिक्षण में लगे कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय के 30 कमरों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें दोनों पारियों को मिलाकर 2400 कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। को जोड़ना तथा गोरखपुर जनपद के सदर सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पहुंची, जहां उन्होंने मत्था टेका और यहां मौजूद लोगों को शत प्रतिशत मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करें, क्योंकि एक एक वोट अच्छी सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे योगी जी हमारे लिए कर रहे हैं, अब ये हमारा समय आया है उनके लिए कुछ करने का। तो बस आपसे एक गुजारिश है, आप जितना मतदान दे सकते उतना दीजिए, अपने घरों से निकलिए, हर एक इंसान को लेकर निकलिए, जितनी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मतदान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कहना चाहती, आप सबने अपना इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद। भारत विकास परिषद द्वारा आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मतदाता जागरूकता व राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर एवं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाया और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। इस संबंध में पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा कि मतदान हमारा मौलिक अधिकार है और हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज भारत विकास परिषद की बहुत सारी संख्या में बच्चे से लेकर बड़े लोग सब आए हैं, महिलाएं हमारे साथ में, अंजना राजपाल भी हैं और यहाँ के जाने माने गायक राकेश श्रीवास्तव जी हैं और हरी मोहन शुक्ला जी हैं, ये सब लोग आए हैं। विशेष रूप से जागरूकता, हमारे नागरिक को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हमें जागरूकता जागरूक करना है। ये जो महायज्ञ आने वाला है 3 तारीख को, उसमें अपना मत देने जरूर जाएं, घर से एक एक मत निकलना चाहिए और हमारे जो भी प्रत्याशी आप समझते हैं कि ये सही है और अपने देश और अपने प्रदेश के लिए जिस व्यक्ति को आप सही समझते हैं उसको उस निशान पर बटन दबा करके जरूर वोट देने अपना वोट। इसी क्रम में गोरखपुर कलाकार संघ के तत्वाधान में बैंड कलाकारों द्वारा संगीतमय मतदान जागरूकता यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महानगर के बख्शीपुर इलाके में स्थित आर्य समाज मंदिर से निकाली गई, जो बख्शीपुर नखास चौक चौरैया गोला होते हुए पुनः आर्य समाज मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर ADM FR राजेश सिंह, पार्षद जितेंद्र सैनी, हरि प्रसाद समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बख्शीपुर चौक पर
पर युवाओं द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व युवा समाज सेवी निखिल गुप्ता ने किया। इस संदर्भ में युवा समाज सेवी निखिल ने बताया कि आगामी 3 मार्च को गोरखपुर सहित कई जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए हम सभी युवा यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। आज हम लोग युवा एकत्रित होकर के यहाँ पर बख्शीपुर चौराहे पर मतदान जागरूकता के लिए मतदान हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 मार्च को गोरखपुर सहित कई जनपदों में मतदान होना है, तो इसमें बहुत से लोग अपना मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जिनके जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बहुत से लोगों की एक तरफ से सहयोग भी मिला है, बहुत से लोग आकर के अपने आप मत हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने ये ठाना है कि इस बार अपने जिले में मतदान करा करके अपने गोरखपुर जिले को नंबर 1 पे लाना है। बलिया जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 20 लाख रुपए नकद बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जनपद के नगरा थाना क्षेत्र स्थित मालीपुर गांव के समीप सघन चेकिंग अभियान के दौरान रुपयों की बरामदगी की है। इस संबंध में नगरा थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद रुपये को लेकर जा रहे युवक को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थनगर जनपद के उसका बाजार थाना क्षेत्र के महदेवा राय में ट्रक की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुट गई। इस संदर्भ में CO सदर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है और जल्द ही दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में ब्रेकर बनवा दिया जाएगा, जिससे दुर्घटना ना हो। न्याय लाना भी नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा गलती हो जाए जब मोबाइल लिया बजा जाओ। नाम का है जो इस पैर में आपके क्या लगते हैं? हमारा नाम उमेश है, वो हमारा छोटा लड़का है सर। मामला क्या है पूरा? मामला एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से, ट्रक वाला ठोक करके हमारे बच्चे को भाग गया है। और पूछिए। आज सुबह 10 बजे एक लड़के जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, सागर अग्रही सना उमेश अग्रही का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक को बीरमनगंज पुलिस ने पकड़ लिया है और बच्चे का शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और तारीख मिलने पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन अभी धरना दे रहे थे तो इस पर क्या आश्वासन दिया गया? धरना नहीं दे रहे थे परिजन, तो थोड़ा सा किसी घर में कोई बात हो जाती है तो थोड़ा सा आक्रोश तो आ ही जाता है। परिजन सहमत हैं और परिजन को आश्वासन दिया गया कि हम ब्रेकर बन जाएगा और बाकी जो भी मुआवजा या जो चीजें होती हैं वो SDM से बात करके उनको दिलवाई जाएंगी। संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद विधानसभा सीट से पीस पार्टी से प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आयुब के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सेमरिया ब्लॉक के बिग्राम मीट गांव पहुंचे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अगर जिंदगी रही तो 2024 में भी पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर सबकी नींद को हराम कर देंगे। इसके साथ ही अपने ऊपर हुए गोलीकांड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी आवाज दबाने के लिए ही मुझ पर गोलियां चलवाई गई थी। एहतराम इज्जत माब आली जनाब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अयूब साहब, आप जानते हैं साहब से कहा, डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह ताला 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है प्यारे, थोड़ी बचा के रख, 24 में फिर आएंगे हम। मेरा जमीर जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए। बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र स्थित बड़ा गांव के पोखरे में से एक अधेड़ का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई,
लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी मृतक का शिनाख्त नहीं हो सका और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए अगले अंक में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।